शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। लॉकडाउन से कई लोगों पर भूखे रहने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में प्रभाग 17 के पार्षद विजय चुटेले, इन्होंने गरीब, बेसहारा और जरूरतमंदों को अनाज किट का वितरण किया। साथ ही जो राशन दुकानदार लोगों को बराबर राशन नहीं देंगे, ऐसे राशन दुकानदारों पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। लॉकडाउन में परिसर के लोगों पर भूखे रहने की नौबत आ पड़ी थी, तो वहीं राशन दुकानदार द्वारा जल्दी अनाज का वितरण नहीं होने से ये भूखे रहने की समस्या और भी बड़ी थी। ऐसे में प्रभाग 17 के पार्षद विजय चुटेले, इन्होंने गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को अनाज किट का वितरण अपनी ओर से किया था। इस मौके पर पार्षद विजय चुटेले इन्होंने जानकारी दी। लॉकडाउन के चलते लोगों के ऊपर में भूखे रहने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में प्रभाग 17 के पार्षद विजय चुटेले, इनके द्वारा इस प्रभाग के कई नागरिकों को अनाज किट का वितरण किया गया है। आइए इनसे जानना चाहेंगे। विजय जी, ये बताइए कि जिस तरह से अनाज किट का जो वितरण किया गया है, क्या ये लॉकडाउन तक के सीमित है कि इसके बाद भी ये निरंतर रहने वाला है, और कौन कौन से लोगों को आपने किया? देखो, मैं बता दूं कि जिस तरीके से भारतवर्ष में ये जो महामारी फैली है, और महामारी के चलते जो 21 मार्च से लॉकडाउन लगाया गया था, जिसमें प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी और हमारे दक्षिण पश्चिम के माननीय आमदार, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जो माजी मुख्यमंत्री है, अभी विरोधी पक्ष में थे, उनके मार्फत, उनके सहयोग से, और माननीय संदीप जी जोशी जो नागपुर महानगर पालिका के महापौर है, उनके माध्यम से इस प्रभाग क्रमांक 17 में, जो आपको जैसे कि पता है कि प्रभाग क्रमांक 17 में अधिकतर मजदूर और मोल मजदूरी करने वाले लोग हैं, ऐसे प्रभागों में उनके मार्फत एक कम से कम 1500 लोगों को किट वाटप का कार्य लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तब से आज तक का शुरू है, और अभी तक ये निरंतर जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ते जाएगा, ऐसी परिस्थिति जैसी और आगे बढ़ती जाती है, जब तक का हम निरंतर जनता की सहायता में ऐसे जो गोर गरीब मजदूर है, जो लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों तक राशन पहुंचाने का काम निरंतर इस कार्यालय से शुरू है। अभी आपको मैं बता दूं कि तकरीबन अभी तक हमने 1500 किट इसका वाटप किया है, जिसमें उसमें चावल, आटा, तेल, मिर्च, ऐसी एक संयुक्त ऐसी किट बनी है जिसमें उनको हफ्ते भर के राशन का एक सहायता ये हमारे तरफ से मिली है। विजय जी ये बताइए कि जिस तरह से कुछ ऐसे जो राशन की जो दुकानें होती है वो लोगों को बराबर न्याय नहीं कर रही, उनके साथ में उनको अनाज दे नहीं रही, ऐसी कई शिकायतें सिर्फ नागपुर के अलग अलग परिसर से आ रही है। आपके अगर प्रभाग में इस तरह की अगर कुछ बात चलती हो, लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा हो या उन्हें राशन नहीं मिलता हो, तो ऐसे समय में उन लोगों के लिए आप क्या करना चाहोगे? इस प्रकार की एक दो कंप्लेंट हमारे प्रभाग में आई थी, लेकिन हमारा निरंतर जो कंट्रोल के जो धान्य भंडार के जो लोग हैं उनसे निरंतर हमारा वार्तालाप हुआ है, जिसमें हमने उनको स्ट्रिक्टली बोला है कि जो भी राशन इस गरीब लोगों के लिए आ रहा है वो राशन को बिना किसी आप अड़चन निर्माण करें, ना ही उसमें किसी प्रकार की कटौती करें, उनको पूरा राशन इस कार्यकाल के दौरान उनको दिया जाए और ना ही उसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार किया जाए। जो भी राशन उनके लिए आया है वहाँ से निरंतर हमने दो लोगों की टीम बैठा ले है, और हमारे राशन जो कंट्रोल है, कंट्रोल में भी एक एक कार्यकर्ता हमने बैठा ले कि इस प्रकार की अगर घटना सामने आती है तो तुरंत ही हम एक्शन लेके उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। ये काफी अच्छी जानकारी पार्षद विजय चुटेले उन्होंने दिया है। उनका ये मानना है कि इस तरह से कोई अधिकारी लापरवाही बरतता है और लोगों को राशन नहीं देता है, या उनके राशन कार्ड को लेकर उनके पास अगर अनाज नहीं मिलता है तो कड़ी कार्रवाई करने के संकेत भी उन्होंने दिया है। एक बात तो तय है कि चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार हो, ये लोग इस देश के नागरिकों के लिए बड़े पैमाने पर अनाज की पैदावार लोगों और राज्यों से करते हैं, देशों से करते हैं, किसानों से करते हैं, और वो अनाज लोगों के लिए देते हैं, गोदामों में माल रहता है, मगर अफसोस कि वो नागरिकों को नहीं मिलता बल्कि उसको समंदर में फेंक दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं भी पिछले कुछ दिनों पहले सामने में आई थी, इसकी रोकथाम हो यही समय की मांग है, क्योंकि कोई भी भूखा ना रहे, क्योंकि ये भारत देश है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।